आप गारंटी देते हैं आम आदमी को, आपके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो महफूज आता है? इसकी गारंटी जी मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी कंपनी 70 साल से पाकिस्तान में काम करे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंगल भी आज तक कोई लीगल इशू नहीं बना। लोग आप पे इत्माद क्यों करें? हमारी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, कोई भी प्रोजेक्ट अपना ऐसा नहीं है कि जिसमें डिले किया हुआ, सारे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सारे प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं। मिनिमम क्या इंस्टॉलमेंट बन जाती है लमसम महीने की? महीने की तकरीबन 80,000 या 70,000 तक ये इंस्टॉलमेंट बनती है और ये भी क्वार्टरली है, आपने मंथली नहीं दी। सबसे बड़ी बात है कि मासी रियल एस्टेट अभी तक इस किस्म की किसी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनी कि जिसने लैंड एक्वायर ना की और वो फाइलें बेच रहा हो। किसी पर ट्रस्ट मत करें, अपने आप पर भरोसा करें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको हमसे बेतहाशा फायदा मिलेगा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद नईम दीरत है, नई बात डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं द मास्टर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के एनुअल डिनर पे हम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपने कारोबार को पूरे लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर किस तरह लेके चल रहे हैं, आम आदमी के लिए इनके पास क्या रिलीफ है, इनसे बात करते हैं और इनके डिनर के हवाले से भी बात होगी। आइए इनके पास चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीईओ उस्मान फिदा साहब, जो कि द मास्टर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ हैं। इनसे बात करते हैं कि आज की जो न्यूज़ नाइट है इसको अरेंज करने का मकसद क्या था? एक आम आदमी जो है आपसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप उसको इजी वे बता दें आप तक पहुँच। जितने भी लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी उन्होंने 3 साल के पेमेंट प्लान पे हमसे प्रोडक्ट्स ली थी, अभी 1 साल हुआ है तो उनको इतनी अच्छी जो है हैंडसम रिटर्न्स मिल रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो कोई बंदा अभी जो है ना इसमें नाखुश नहीं होगा, सारे ही हैप्पी कस्टमर। लोग आप पे इत्माद क्यों करें? हमारी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, हमारी हिस्ट्री जो है, हमने कोई भी प्रोजेक्ट अपना ऐसा नहीं है कि जिसमें डिले किया हुआ, सारे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये 5वां प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में हमारा और हमने सारे प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं अभी तक। अपने वर्कर्स और आवाम को क्या पैगाम दें? तो आवाम को मैं ये कहूँगा कि अभी भी लेट नहीं हुए, आप लोग अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंतखाब करें। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? लाहौर स्मार्ट सिटी अराउंड 22,000 कनाल पे है और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो अराउंड 1.5 लाख कनाल पे है, वो एकदम फ्री सिटी बनने जा रही है। तो कितने सालों में आप ये शहर बसाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में हम पोजेशन दे रहे हैं अपने 2 सेक्टर्स का। हमने पेमेंट प्लान 3 ईयर्स का रखा था लेकिन हमारे जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है हम 2 साल में पोजेशन दे देते हैं और लोग अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के GM मुजीब अहमद खान, इनसे बात करते हैं। जी आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में जो ये प्रोग्राम की तकरीब हुई है इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है? इस तरह के इवेंट से लोगों को कंपनी के बारे में नई अपडेट्स का पता भी चलता है और वो लोग उनके अंदर जो इंथ्यूजम है उससे वो अच्छा काम करते हैं दोबारा से मार्केट में और इवेंचुअली इसका जो फ़ायदा है वो तमाम लोग उठाते हैं, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हों चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हों। अच्छा, आजकल वो जो है प्रॉपर्टी के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा बूम चल रहा है और आने वाले दिनों में वैसे भी प्रॉपर्टी की बड़े रुझान पाए जा रहे हैं, तो क्या आम आदमी इस आपके प्लेटफॉर्म से दूसरों के हिसाब से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जी, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी का, ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस किया था बैक इन 2018 जब हमने इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च किया, उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च की। तो इट्स नॉट अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ सिटी और इस सिटी जो है इसके अंदर इसकी अपनी इकॉनमी है, इट हैज़ अ फीचर्स डेट जो नॉर्मल पाकिस्तानी है उसने इस पाकिस्तान में देखे भी नहीं है। तो ये फीचर्स जो हैं और इस तरह की जो लिविंग है, जो A+ ग्रेड की लिविंग है, वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑफकोर्स और पाकिस्तानीज हैं, तो जो लोग भी इधर रहेंगे और जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर। कितनी देर में लोग अपनी छत के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने काबिल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमें काम शुरू किए हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम इंशाल्लाह अपना सेक्टर A और B का जो पोजेशन है अगले 3 महीनों में दे देंगे, विच मीन 7 मंथ्स। इसमें जो हमारी टाइम लाइन है जो अप्रूव्ड हमारे एज़ पर NOC के है वो 4 ईयर्स है, लेकिन हम जो इसकी डिलीवरी है जो स्टेज वाइज हमारी डिलीवरी है वो इंशाल्लाह हम 2 सालों के अंदर इसकी देना शुरू कर देंगे। कितनी आप गारंटी देते हैं आम आदमी को, आपके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो महफूज हाथों में। इसकी गारंटी जी मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी कंपनी 70 साल से पाकिस्तान में काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंगल भी आज तक कोई लीगल इशू नहीं बना, तो इससे बड़ी कंपनी और इससे बड़ा पास्ट और इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी कंपनी का पाकिस्तान में नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि दूसरों की नस्बत आप सस्ते घर लोगों को आप दे रहे हैं? देखिए जी हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे साथ है, हमने जो अपने टारगेट सेट किए हैं उसके साथ हैं, बाकी सब जो काम कर रहे हैं उन्होंने उनके जवाब दे देनी है, हमने अपने काम की जवाब दे देनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने वादे किए हैं उसको इंशाल्लाह वक्त से पहले पूरे करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जिस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद फारूक मजर साहब से, हमने बहुत सारे लोगों से बात की यहाँ पे, आप अपनी कंपनी को किस तरह देखते हैं और अपना डेजिग्नेशन भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक मज़र है, जैसे भाई ने बताया मेरी डेजिग्नेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिस्ट, और मेरा काम है मार्केट को एनालिसिस करना, और सबसे ज़्यादा मेरा काम है जो मैं अपने न्यू कमर्स होते हैं उनको फीडबैक देना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उसके साथ साथ उनको ये बताना कि मार्केट एथिक्स बेसिकली क्या होते हैं। हाँ, आपका ये सवाल कि अपनी टीम को या अपनी कंपनी को मैं कहाँ देखता हूँ, देखें हर माँ अपने बच्चे को जो है वो किसी मुकाम पर देखना चाहती है, सेम लाइक दैट मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी टीम को जो हमारा ये इदारा है द मास्टर्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, ये किसी अच्छे मुकाम पे हो। सेम लाइक दैट अभी क्या है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे हमने न्यू अंदाज मार्केट में अनाउंस किया है, ऐप सिस्टम है, मल्टीमीडिया है, ई मार्केटिंग है, आप जैसे भाई लोग भी हमारे पास आते हैं, हम हमारी पब्लिसिटी इस लेवल पर भी हो रही है, हम जो नई चीज़ अनाउंस करने जा रहे हैं वो ये है कि मार्केट के जितने भी हमारे मेम्बर्स वर्किंग करेंगे वो उनका तरीकाकार एक डीलर से हट कर होगा, दे नॉट सपोज टू बी अ डीलर, दे सपोज टू बी अ पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट। अब वो एक आपका हेल्पर है, आपको अच्छे से हेल्प कर रहा है प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करने में, आपके ग्रोथ में, आपके आरओआई जनरेशन में, तो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है और वो बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको डील कर सकें, एथिकली आपको फीडबैक दे सकें, आपके साथ इन टच रह सकें। हेल्प कैसे करते हैं थोड़ा बता दें। जी मैं आपको ये बताता हूँ, जस्ट हेल्प करने से मुराद ये है जी कि अब आप एक इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई रिलायबल पर्सन नहीं मिलता या कोई रिलायबल फर्म नहीं मिलती, लेट सपोज कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और आपने मुझसे कहा जी कि मेरा बजट कम है बट आई नीड टू इन्वेस्ट, आपके उस पर्टिकुलर बजट के मुताबिक कौन सी सोसाइटी, कौन सा एरिया, क्या चीज़ आपको सूट करती है, और आप अगर इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहें तो भी, अगर आप ऑन कैश लेना चाहें तो भी, आप सैलरीड पर्सन हैं, आप बहुत लो क्राइट एरिया में काम करते हैं, शॉपकीपर हैं, वट एवर, हम आपको उसको सपोर्ट करेंगे। सोच ये है कि जो भी जुड़ता जाए वो अल्लाह की मेहरबानी से फ़ायदा ही उठाए, उसको नुकसान ना हो। कौन सा डेवलपर जो है वो धोखेबाज नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग फ्रॉड कर जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे आपकी पेमेंट लेके निकल जाते हैं, अभी हाल ही में बहुत सारे मामलात हुए हैं, अल्लाह पाक हमें इस चीज़ से बचाए। अभी तो हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है, कोई भी डेवलपर या वो जो भी है रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला वो बगैर सर्टिफिकेट के नहीं कर सकता। जी जी एग्जैक्टली, ये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया है जो हर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है बेसिकली, अप्रिशिएटेड, और द मास्टर उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करता है, हर इन्वेस्टर एक क्राइटेरिया का नहीं होता भाई, कोई करोड़ करने वाला है, कोई लाख, कोई हज़ार, तो द मास्टर रियल एस्टेट उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है ताकि वो आगे अपने आने वाले वक्त में एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकें, उनको फ़ायदा मिले। किसी पर ट्रस्ट मत करें, अपने आप पर भरोसा करें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको हमसे बेतहाशा फ़ायदा मिलेगा। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फिदाउ साहब जो कि डायरेक्टर हैं द मास्टर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। आफाक फिदाउ साहब ये बताइएगा कि एक आम आदमी जो है वो उसके पास इतनी सख्त नहीं है घर खरीदने की एक यकमुश्त में, तो उसको क्या है, क्या आप सुजेस्ट करेंगे कैसे वो आपके पास आए? सर फेसबुक और वेबसाइट हमारी बेहतरीन तरीका है हम तक एक्सेस था, और बेहतरीन हम लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं HRL के बिहाफ पे लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंस्टॉलमेंट पे 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि अभी सिर्फ डाउन पेमेंट पे चल रहा है, अभी तक इन्होंने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं की,
इस तरह प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आने लग जाएगा, उसकी बाकायदा लॉन्चिंग करके तो लोगों के इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो बड़ा इजी हो जाता है हर किसी को। जिस तरह आप समझ लें कमेटी विद बेनिफिट है इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना। तो कितनी टोटल इंस्टॉलमेंट 3 सालों में कितनी पे करनी पड़ती है, करंट सिचुएशन क्या? करंट सिचुएशन ये कि अभी 20% देना पड़ेगा आपको जो भी प्लॉट होगा। अगर आपके मिसाल के तौर पे 21 लाख रुपए का प्लॉट है तो उसका आपको 20% देंगे तो आपका प्लॉट आपके नाम पे हो जाएगा। उसके बाद आपने जिस तरह आपका पेमेंट स्केड्यूल होगा आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में फॉलो करेंगे। सही है, तो मिनिमम क्या इंस्टॉलमेंट बन जाती है लमसम महीने की? महीने की तकरीबन 80,000 या 70,000 तक ये इंस्टॉलमेंट बनती है, और ये भी क्वार्टरली है, आपने मंथली नहीं देनी। आप क्वार्टरली दें तो आप उसको क्वार्टरली फॉलो कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें तो वो आपके हिसाब से बना। यकमुश्त अगर को पेमेंट कर दे तो उसको क्या इंसेंटिव? यकमुश्त पेमेंट पे जिसको हम लमसम पेमेंट कहते हैं उस पर 10% रिबेट देते हैं रॉयल ऑर्चर्ड वाले, ये अभी प्रफीक वाले किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो यकमुश्त अगर पेमेंट कर देता है तो फिर उसको कब्जा कब मिलता है? अच्छा, यकमुश्त पेमेंट वो इस तरह होता है कि सेक्टर के हिसाब से होता है कि भाई जौन से सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, एक तो 100% जो भी पेमेंट दे देगा उसको 10% रिबेट भी मिलेगा, और उसको ये प्रेफर करते हैं ये कि भाई उनको जौन सा भी ब्लॉक पहले जो हो रहा है डेवलपमेंट का काम जिसमें हो जाता है जिसमें पोजेशन दे रहे होते हैं तो सबसे पहले उनको वहाँ पर जो है ना कंपनसेट करते हैं। बेल्टिंग कब हो रही है? बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है कि विद इन 5 to 6 months इंशाल्लाह बैलेटिंग होगी। पहले वाली स्मार्ट सिटी की? पहली जी, फर्स्ट बैलेटिंग होगी। कैपिटल की तो 3-4 सेक्टर्स की हो चुकी है, और स्मार्ट सिटी की जो है ना वो 6 months में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी मियां ज़ाहिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो द मास्टर रियल स्टेट बिल्डर्स के फिनांस को डील करते हैं। अच्छा मियां उज़ैर साहब, आप ये बताएं कि एक आम आदमी आपके अकाउंट को लेके किस तरह मुतमिन होगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज महफूज हाथों में? उसका हमने ऑनलाइन लेजर हमने बनाया हुआ है, वो जब भी ऑन कॉल ऑन ईमेल किसी भी तरीके से हमें जब भी अप्रोच करेगा कि जी मुझे बता दें कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस पर रिटर्न क्या है, ऑन ए सिंगल क्लिक उसके पास उसका तमाम रिकॉर्ड हम उसको ईमेल भी कर देंगे और हम उसको बाय वर्बली भी हम उसको बता सकते हैं। ये चीज़ अभी तक मार्केट के अंदर और किसी ने नहीं की हुई है। उसके अंदर ये होता है कि जी अभी हम अपना खाता देखेंगे, बताते हैं आपको, थोड़ी देर तक बताएंगे, नथिंग एल्स, सिंपल वन क्लिक और उसके पास तमाम रिकॉर्ड देगा उसी टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जगह ख़रीदी नहीं गई होती तो उसको फाइलों के ज़रिए बेचा जा रहा होता है, तो आप किस तरह डिफरेंट हैं? सर सबसे बड़ी बात है कि मासी रियल स्टेट अभी तक इस किस्म की किसी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनी कि जिसने लैंड एक्वायर ना की और वो फाइलें बेच रहा हो। आइए आपको अब म्यूजिकल नाइट में जो फंक्शन हो रहा है उसको दिखाते हैं और इंजॉय करते हैं। शहरों में घर बनाना चाहता है उसकी सहूलत के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनसे सवालात किए, उनसे जवाब ढूंढे ताकि एक आम आदमी से फ़ायदा उठा सके, ताकि वो इस महंगाई के दौर में अपना घर बना सके। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नईम दिलत को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।